हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन चैनल। आज हम वीडियो लेके आए हैं फूड पेंटिंग लैब पार्ट टू। पहले हम फूड पेंटिंग के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं बेसिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड, अब हम चलते हैं फूड पेंटिंग लैब जिसके द्वारा आप किसी टारगेट या विक्टिम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या करता हूँ। फ्रेंड्स, आ गए फूड पेंटिंग लैब। फूड पेंटिंग एक प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप होता है किसी हैकर को जानकारी इकट्ठा करना या गैदर करना। पहला टूल है गूगल हैकिंग डेटाबेस, मान लीजिए GHDB, यानी गूगल हैकिंग डेटाबेस। गूगल हैकिंग डेटाबेस के पास पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन होती है। ये पहले से ही स्टोर करके रखता है जिसके द्वारा आप किसी भी विक्टिम या टारगेट की इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं या गैदर कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, लिखा है गूगल हैकिंग डेटाबेस, इट्स कलेक्ट लिस्ट ऑफ कॉमन मिस्टेक। गूगल हैकिंग डेटाबेस कलेक्ट करता है कॉमन मिस्टेक को जो सर्वर पर होती हैं। फिर दूसरा है GHDB, गूगल हैकिंग डेटाबेस। ये सबसे बड़ा टूल है जिसके द्वारा किसी टारगेट या विक्टिम की जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल, उस पर कौन कौन सी जो पॉइंट है वो वीक है, उस कंसोल के द्वारा हम प्राप्त पता लगता है। और पासवर्ड फाइल एक तरीका से, जैसे आपने कोई साइट पे गए, साइट वेबसाइट खोली और उसमें आपने कोई न्यू अकाउंट बनाए, अकाउंट क्रिएट किया, उस पर आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्रिएट करके डाला, कुछ ना कुछ तुम्हारे लूफोल्स उसमें हुए जो जाकि जो हैकर है वो तुम्हारे पासवर्ड और ईमेल आईडी के द्वारा ट्रैक करके वो तुम्हारी जानकारी को प्राप्त कर सकता है। जैसे ही हम किसी साइट पर जाते हैं, अपना ईमेल एड्रेस रजिस्ट्रेशन फुलफिल करते हैं और उस पर हमारा नाम लिखते हैं, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सारी, और क्रेडिट कार्ड नंबर, हम शॉपिंग करते हैं उसके द्वारा हम सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और हैकर भी प्राप्त, हम खाली उस पर जाके डालते हैं और हैकर क्या करता है, और कुछ कमी लिख रहेगी तो वो हैकर आपकी जानकारी को प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड, गूगल हैकिंग दो तरीके के टूल होते हैं जिसके द्वारा आप किसी टारगेट या विक्टिम की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है www.hackerforcharity.org, दूसरा है www.exploitdb.com। आप इस दो टूल के द्वारा आप किसी टारगेट या विक्टिम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी वेबसाइट की जानकारी ले सकते हैं, एनी यूज कोई भी। फ्रेंड, नीचे लिखा है वेबसाइट है मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी विक्टिम, वॉट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स कंटेन, ये कह रहा है किसी भी विक्टिम की जानकारी ले सकते हैं इसी बारे में, वॉट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट कंटेन, किस प्रकार की जानकारी लेना चाहती हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इन चीज़ों से बचना है तो आपको क्या करना, आपने दूसरा ईमेल क्रिएट करना होगा ताकि आपका जो एक स्टूडेंट ईमेल बनाएंगे अलग और अपना बिजनेस ईमेल, ताकि आपका जो कोई भी अगर हैकर आसानी से आपके पास पहुँच ना सके। अगर वो हैक भी कर लेता है तो आपको जो मेन सिक्योरिटी वाली जो है आपकी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, वो आसानी से नहीं इकट्ठा कर पाएगा। आपको अपना ईमेल दूसरा क्रिएट करके और उसमें पासवर्ड कर लेना और अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं इस तरीके से। फ्रेंड, यही तरीका। बाकी आप अगर सेम एक ही ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं और एक ही हर जगह वो कर रहे हैं तो तुम्हारी पहले से कोई जानकारी रखी होगी उस पर, ताकि वो हैकर आपकी जानकारी को प्राप्त कर सकता है और चुरा सकता है। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। गूगल हैक एक न्यू टूल है जिसमें दो तरीके की क्वेरीज होती हैं, स्पोकियो और एनी हू की क्वेरीज। इसके द्वारा रेसिडेंशियल एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, और उस टारगेट विक्टिम का एड्रेस क्या है उसके बारे में, ईमेल एड्रेस क्या है उसका पूरा पता जानकारी ले सकते हैं स्पोकियो एंड एनी हू की क्वेरी। इसके द्वारा आप कॉन्टैक्ट नंबर पता कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, फ़ोटो एंड सोशल नेटवर्क पे कितनी फ़ोटो हैं उसके, कितना सोशल डेटाबेस कितना बड़ा है, ये आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गूगल हैक के द्वारा। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है।
उस पे कितने ब्लॉक चल रहे हैं, यूआरएल कितने हैं, सैटेलाइट पिक्स, उसके सैटेलाइट पिक्स के जान सकते हैं, उसका मतलब पूरा कुछ, प्राइवेट रेसिडेंस, अगर कोई अच्छा खासा बंदा है जानकारी लेने वाला, जानकार रखने वाला, तो आप उसकी करंट लोकेशन भी पता कर सकते हैं, मतलब वो किस जगह बैठा है। स्पोकी पेड, कुछ वेब स्पोकी पे जाके आप गूगल पे लिखेंगे स्पोकियो, फिर एंटर मारेंगे, आपको ये मिल जाएगा। और उस पर आपको किसी का ईमेल, ईमेल से पूछेगा, आपको ईमेल से पता करना है उसकी टारगेट की जानकारी लेनी है, या फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस के द्वारा जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा जिसके द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर आप इसके द्वारा, आप जाके, ये दो टूल हैं, आप उसके द्वारा बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैंने आपको खाली थ्योरी बताई है, बाकी प्रैक्टिकल मैं अगले नया प्लेलिस्ट क्रिएट करके प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप। मैं तो बस सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन कोई इलीगल काम ना करें फ्रेंड, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के उद्देश्य से बनाई गई वीडियो है, ठीक है फ्रेंड। बने रहिए इसी एपिसोड में, थैंक यू, गुड बाय।